नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, आपको उस कहानी के बाद रिश्तों से विश्वास हो जाएगा। पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है और ये ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसकी मांग में हमेशा सिंदूर जो है चमकता रहे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस सिंदूर को पहुंचने के लिए, यानी कि अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए सुपारी देगी, और वो सुपारी भी किस लिए? क्योंकि उसे अपने देवर पे उसका दिल आ जाता है। देखिए, देवर और भाभी का रिश्ता एक तरीके से आजकल कहें तो एक दोस्त की तरह भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कुछ वर्षों और पीछे जाएं तो ये रिश्ता जो है माँ और बेटे जैसा रिश्ता होता है। बहुत सारे घरों में जब भाभी घर में आती है तो उसकी गोद में देवर को बिठाया जाता है। उसके पीछे, इस रस्म के पीछे मकसद यही होता है कि ये जो देवर है ये तुम्हारा बेटे समान है। अब उससे अगर कोई रिश्ते खराब कर ले, यानी कि गलत रिश्ते बना ले, तो उसको आप क्या कहिएगा? दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी, आपको बहुत कुछ सोचने को मजबूर करेगी, क्योंकि जिससे हम शादी के साथ फेरे लेते हैं, कई बार कुछ रिश्ते इतने हावी हो जाते हैं कि उनके सामने वो फेरे, उन फेरों का रंग फीका पड़ जाता है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और अपनी राय भी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मैं बात कर रही थी कि कैसे आशिकी के सामने शादी के साथ फेरे फीके पड़ जाते हैं। शादी के पवित्र बंधन पर खून का दाग लग जाता है। ये जो कहानी है ये ऐसी ही कहानी है, इसमें रिश्तों का एक गंदा खेल खेला जाता है। उसी की डोर पत्नी काट देती है, जिस डोर के सहारे वो जिंदगी भर काटने की कस्में खाती है। और देखिए, आखिरी वक्त में जिस समय उसके पति की जान जा रही होती है, वो उससे मदद मांगता है, फोन करता है, लेकिन वो पत्नी देखिए कितनी बेवफा निकली। आगे चल के आप समझिएगा कि उसने क्या बेवफाई की। अपनी बीवी को फोन कर वो गोली के घाव को झेलते हुए मदद की आस में था, पर वो मदद करने नहीं पहुंची। अगर वहां कोई पहुंचा तो वही बदमाश जो कुछ देर पहले उसको गोली मार के भागे थे। लेकिन जब उन्हें फोन मिला कि अरे ये तो जिंदा है, तो वो वापस पलटते हैं। तब तक उनकी गोलियां खत्म हो चुकी थी, फिर उन्होंने उसको चाकू से मारा, जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। ये कहानी है, ये रियल स्टोरी है बिहार के किशनगंज की। 26 जुलाई की ये घटना है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, आज अभी अगस्त का पहला हफ्ता है और ये 26 जुलाई की घटना है। किशनगंज में रहने वाले पप्पू गुप्ता MGM यानी कि माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी थे। रोजाना की तरह अपने ड्यूटी पर जाते हैं, रात को ड्यूटी से बाइक से लौट रहे थे। जब वो लौट रहे थे तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार बदमाश पहले से ही वहाँ उनके इंतज़ार में घात लगाए बैठे थे। जैसे ही पप्पू वहाँ पहुँचे, उन्होंने बाइक रोक ली और गोली चला दी। गोली से लहूलुहान होकर के नीचे गिर गए, मदद के लिए चीखने लगे, थोड़ी देर के बाद शांत हो गए।
कुछ देर के बाद वहां जा रहे राहगीरों ने उन्हें देखा तो उन्हें MGM हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इस घटना की जानकारी जैसे ही पप्पू गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता को मिलती है, रोते पीटते हुए मौके पर पहुंचती है और काफ़ी देर तक वो रोती रहती है, दिखावा कर रही होती है और कहती है कि उसके पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हो सकता है कि किसी ने लूटपाट के इरादे से ये काम किया हो। पत्नी ने ये भी बताया कि जब उन्हें गोली लगी थी तभी उन्होंने जब वो इंजर्ड थे, जब वो घायल अवस्था में थे, उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन काफ़ी शोर हो रहा था, कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद वो जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो उनकी जान जा चुकी थी। प्रीति की शिकायत पर बिहार की किशनगंज पुलिस ने FIR की और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की जांच के दौरान ये पता चलता है कि पप्पू को गोली मारने के साथ ही उन पर चाकुओं से भी वार किए गए थे, एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार वार किए गए थे। ऐसे में पुलिस की जांच में एक नया मोड़ आया था, एक नई लीड पे वो काम करना शुरू कर देती है पुलिस, क्योंकि अगर कोई लूटपाट के इरादे से हमला करता है तो सिर्फ गोली मार देता और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता, लेकिन चाकू मारने की क्या ज़रूरत थी। घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की और फिर CCTV फुटेज से ये पता चला कि घटना के दौरान मौके पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी को देखा गया था। उस स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर का पता लगाया। इस नंबर के जरिए ये पता चलता है कि जिसकी ये गाड़ी थी उसने किसी सुपारी किलर को इस गाड़ी को कुछ घंटे के लिए दिया था। पुलिस उस गाड़ी वाले के फ़ोन की कॉल डिटेल निकालती है, सर्विलांस की मदद से कई और नंबरों की भी जांच करती है, तो एक बहुत बड़ा राज उनके सामने खुल के आता है। पप्पू के गांव के रिश्ते के भाई राजकुमार गुप्ता और राजू गुप्ता से जुड़ा हुआ ये सुराग पुलिस के हाथ लगा था और पुलिस इसी लीड पे काम करना शुरू कर देती है। तभी पुलिस को ये पता चलता है कि पप्पू गुप्ता की पत्नी भी बेवफा है, वो भी इस खेल में शामिल ही नहीं थी बल्कि वो इस पूरे गंदे खेल की मास्टरमाइंड थी। दरअसल शादी के कुछ समय बाद ही देवर राजू गुप्ता से प्रीति की मुलाकात हुई। इसी बीच देवर राजू अपने गांव से किशनगंज जब इनके घर आया तब भाभी प्रीति को नर्सिंग कोर्स कराने के लिए एक दो बार उसको मेडिकल कॉलेज छोड़ने गया। असल में पप्पू गुप्ता मेडिकल कॉलेज में बेहद छोटा सा अदना सा कर्मचारी था बतौर प्लम्बर। ऐसे में वो पढ़ी लिखी पत्नी को नर्सिंग का कोर्स कराना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी कराया था। उसी कॉलेज में प्रीति बीएससी नर्सिंग कर रही थी और कई बार देवर राजू भी उसको छोड़ने जाता था, लेकिन बाहर की दुनिया को ये पता नहीं था कि दोनों के बीच में क्या रिश्ते चल रहे हैं, बल्कि ये भी किसी को नहीं पता था कि वो एक पवित्र रिश्ते की सीमा को बहुत पहले ही लांघ चुके हैं। उनके बीच में जो रिश्ते थे वो रिश्ते पति पत्नी जैसे हो चुके थे। इसी बीच पप्पू गुप्ता को दोनों के रिश्तों में थोड़ा सा शक हो गया था, इसलिए उसने सवाल भी किया और यही सवाल बीवी को चुभने लगा। इस चुभन को मिटाने के लिए प्रीति ने हमेशा के लिए पति को मिटाने का प्रोग्राम बना लिया। इसीलिए फ़ोन पर प्रेमी बने देवर राजू से कह करके सुपारी किलर की बात की और अपनी ही मांग से हमेशा के लिए सिंदूर को उजाड़ने के लिए उसने सौदा कर लिया। ये सौदा होता है 1,00,000 रुपए में, लेकिन पहली किस्त 20,000 की उनको दे दी गई थी। अब बारी थी उस रात की जब ड्यूटी से पप्पू गुप्ता घर लौट रहे थे। प्रीति ने 26 जुलाई की तारीख को खुद को विधवा करने के लिए मुकर्रर कर ली थी, यानी कि एक शादीशुदा महिला ने अपनी मांग से हमेशा के लिए सिंदूर को हटाने के लिए सुपारी दी है। नहीं कितनी अजीब बात। आखिर 10 तारीख पे ड्यूटी पूरी करके पप्पू ने बीवी को कॉल किया, उसने बताया कि वो घर लौट रहा है, लेकिन
उसे क्या पता था कि वो अपनी पत्नी को मौत की सूचना दे रहा है, अपनी ही मौत की सूचना दे रहा है। पत्नी प्रीति ने तुरंत देवर राजू को ये जानकारी दी। पहले से कई सौ किलोमीटर दूर का रास्ता तय करके किशनगंज आए 3-4 सुपारी किलर एक जगह पे मौजूद थे। जैसे ही पप्पू गुप्ता वहां पहुंचे, उसको रोका और वहीं पे उसको गोली मार दी। खून से लहूलुहान होकर के वो नीचे गिर गया और मरने से पहले आखिरी उम्मीद लिए उसने अपनी पत्नी को फोन किया। उसने कहा कि मुझे गोली लगी है, मुझे बचा लो। पर वो पत्नी तो बेवफा थी। उसने पुलिस या हॉस्पिटल में फोन करने की बजाय फौरन अपने देवर को फोन किया और उसको कड़क आवाज में कहा कि तुमने पैसे लिए हैं और वो तो अभी बचा हुआ है, उसे बचना नहीं चाहिए। सुपारी किलर तुरंत गाड़ी वापस लेकर के मौके पे पहुंचते हैं, जहां पर पप्पू चीख चिल्ला रहा था, दर्द से तड़प रहा था। पर अब इन किलर्स के पास गोली बची नहीं थी, इसलिए उन्होंने चाकू निकाला और तब तक उसको मारते रहे जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। अब किशनगंज की पुलिस ने इस खूनी खेल का खुलासा करते हुए घटना वाले दिन दहाड़ मार कर पति की मौत पे रोने और आंसू निकालने वाली बीवी प्रीति गुप्ता और उसके प्रेमी राजकुमार गुप्ता और उन्हीं के एक सुपारी किलर साथी को अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों, ये कहानी या ऐसी और कई कहानियाँ मैं अक्सर आपसे शेयर करती रहती हूँ, लेकिन यार मतलब बहुत अफसोस होता है। आप एक नाटक करते रहते हैं प्रेम का, आप नाटक करते रहते हैं अपने पति के लिए, करवा चौथ का व्रत करने के लिए, और आप करते क्या हैं, आप उसी की सांसों की डोर काटने के लिए सुपारी देते हैं। क्या कहिएगा आप इस कहानी के बारे में, ये जो इसकी किरदार है बेवफा पत्नी, इसके लिए आपके पास क्या शब्द हैं, क्या कहेंगे आप इसे? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ऐसी घटनाओं से भी सावधान रहिए। फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगी। जय हिंद, जय भारत।